इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरएलडी प्रवक्ता अंकुर जी। आइए हम इनसे जानते हैं इस समय जो यूपी में सियासी खेला चल रहा है इस पे इनका क्या कहना है। अंकुर जी, आज अजीत सिंह जी की जयंती है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अजीत सिंह जी जो हैं परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र थे, इसके साथ साथ देश के एक सम्मानित नेता थे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो हमारे हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उन्हीं के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी के द्वारा जो आम जनमानस के हित के लिए कार्य किए गए हैं, उन हित को के कारणों को अब वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कार्यकर्ता आज उनकी जयंती के अवसर पर उनको जहां श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, वहीं इस बात का हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी नीतियों को आम जनमानस में तक पहुंचाने के लिए हम लोग करबद्ध हैं। तो क्या हम मान के चले कि आज जयंती होने के बाद कल जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल हो जाएंगे? देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, मैं उस पर कोई टीका या टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। वो किसी भी निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं, हम लोग उनके अनुगामी हैं, हम लोग उनकी पद्धति के अनुसार अनुसरण कर रहे हैं। जो भी केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश आएगा, ऐसा कोई भी स्थिति घटित होती है, घटनाक्रम घटित होता है, तत्काल हम लोग आपके सम्मानित चैनल पर उसका ब्यौरा देंगे। भारत रत्न मिलने के बाद उन्होंने कहा था एक ही तो दिल है, जीत लिया है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है भाई, अकेले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी का दिल नहीं जीता है, उनने करोड़ों करोड़ देशवासियों का दिल जीत लिया और इस कार्य के लिए मैं केंद्र सरकार, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भारत के प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से। एनडीए में क्यों जाना चाहते हैं? सपा में 7 सीट पर तो बात हो गई थी। सीटों का मुद्दा गौण है, जब दिल ही जीत लिया तो सीटें कहाँ रह गईं? बसंत का महीना चल रहा है, वैलेंटाइंस का वीक चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक ही दिल था, जब वो दिल जीत लिया गया तो उसके बाद बाकी बातें बेमानी हो जाती है। अखिलेश यादव ने भी तो जीता था, इतने दिनों से दो हंसों की जोड़ी चल रही, तो एक मिसाल कहा रहा था कि दो हंसों की जोड़ी है, तो जोड़ी क्यों टूट रही है? इसके लिए एक भविष्य में कभी हम लोग PC आयोजित करेंगे, अभी ऊपर से निर्णय आने दीजिए, उसके बाद आपको इसके विषय में भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इसको जो भी सूचना होगी आप लोगों को बताया जाएगा। आपकी पार्टी किसानों के मुद्दों के लिए लड़ती है, किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसान हमारी पार्टी के काडर हैं, हम लोग किसानों की पार्टी कही जाती है, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी कहे जाते हैं, तो किसानों के मुद्दे से राष्ट्रीय लोकदल कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकता है। रहा सवाल दिल्ली कूच का, किसान स्वतंत्र हैं, भारत एक संवैधानिक देश है, संविधान के अनुसार चलने वाला देश है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को धन अपनी बात रखने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का, धरना और प्रदर्शन की स्वतंत्रता है, परंतु उस पर एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि उससे कोई भी लोक प्रशांति भंग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप अगर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, आपके लिए कोई रोक नहीं है, बस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि आम आवाम का ख्याल रखना भी हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है तो उसके लिए उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मतलब हम मान के चले कि अब 100% एकदम कन्फर्म है RLD जो है NDA के साथ जाना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल कन्फर्मेशन का नहीं होता है, जिस तरह से अभी कुछ बयान नहीं आ रहे लेकिन चारों तरफ से ही सुनाई दे रही है कि BJP में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई बयान नहीं आ रहे हैं, लेकिन चारों तरफ बीजेपी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आज ये बात कही है कि हम NDA के साथ में हैं, तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ये बात स्वयं अपने मुख से कह सके तो फिर किसी और बयान की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जैसा कि सुना आपने, इनका साफ कहना है कि अगर जयंत चौधरी जी का बयान आया है कि NDA में वो शामिल होना चाहते हैं और शामिल हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ में मलिक इमरान, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज इस राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का पूरा काम उन्होंने किया, चौधरी साहब के सिद्धांतों पर जिन्होंने काम किया। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की जन्मतिथि आज पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही है और स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने इस देश के किसानों को, इस उत्तर प्रदेश के किसानों को राजनीति में मजबूत करने का काम किया था, किसानों को हर तरीके से खुशहाल बनाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं और स्वर्गीय अजीत सिंह जी का सपना था कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिले, आज केंद्र की सरकार ने स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के सपने को पूरा किया है। आज हम लोग बहुत
हर्ष के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं ने मनाया है, विचार गोष्ठियाँ की हैं, सभाएं की हैं, चौपाल किया है, अस्पतालों में फल वितरण हो रहा है, गरीबों में कंबल बांटे जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन हो रहा है। आज स्वर्गीय अजीत सिंह जी को इस तरह राष्ट्रीय लोकदल के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सर, जयंत चौधरी जी बीजेपी में कब शामिल हो रहे हैं? आज स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की जन्मतिथि है, आज उनकी जन्मतिथि मनाई जा रही है। और कोई चौधरी जयंत सिंह जी किसी दल में शामिल नहीं होंगे। चौधरी जयंत सिंह जी जो भी फैसला करेंगे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के हित में, इस देश के किसानों के हित में, इस उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में करेंगे।